मुंबई की पांच खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप फाइव बुलेटिन में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर मुंबई के सेंट्रल रेलवे से, जहां पर सेंट्रल रेलवे ने महापरिनिवारण दिवस जो कि 6 दिसंबर को होता है, उस दिन पर 14 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। अब ये देखना है कि ये 14 स्पेशल ट्रेन की चलने की वजह से किस हद तक यात्रियों को राहत मिलती है। दूसरी खबर नवाब मलिक से जुड़ी है, जहां पर नवाब मलिक की जमानत याचिका की 30 नवंबर को सुनवाई है। अब ये देखना है कि क्या होता है 30 नवंबर को। तीसरी खबर कल्याण से, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली है, जहां पर एक शख्स ने अपना जन्मदिन कल्याण के शमशान घाट में मनाया। उन्होंने केक काटते हुए 40 महिलाएं और 100 बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए शमशान घाट में किस तरीके से तस्वीरें साझा की है वो देखिए। चौथी खबर मुंबई में बढ़ते खसरा के खतरे से, जहां पर खसरा जो कि बड़ी बीमारी है, इसका कहर अभी तक जारी है, जहां पर 8 महीने के बच्चे की मौत हुई है और इस साल 233 नए केसेस आए हैं और 12 मरीजों ने अब तक मुंबई में जो है दम तोड़ दिया। पांचवी खबर मुंबई के एक यौन उत्पीड़न मामले का है, जहां पर 2019 में एक एक्ट्रेस ने एक फिल्म शूटिंग के ख़त्म होने के बाद जो अपने दादर स्टेशन से घर लौट रही थी, तभी ट्रेन के अंदर उसके साथ एक युवक ने यौन उत्पीड़न किया था, जिसके बाद मामला दर्ज करवाने के बाद अब जा कर के उसकी सुनवाई हुई है और जो आरोपी युवक है उसे 3 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।